नमस्कार सत श्री अकाल। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था टू रिव्यू द हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन 2.0। सो टुडे आई हैव विद मी दिस बीस्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई है और क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये नॉर्मल वाले वेरिएंट से इसके अंदर ये आपको क्या क्या ऑफर करती है विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से। लुक एट दिस बाइक। ये जो रेड कलर वाले वेरिएंट के साथ आती है ना, ये खाली स्टेल्थ 2.0 के साथ ही आती है। यहाँ पर अगर आप ग्राब हैंडल्स देखोगे तो यहाँ पर भी रेड कलर यहाँ पे दिखाया हुआ है। साथ ही साथ जैसे हम लोगों ने एक्सपल्स प्रो के अंदर देखा था, सेम इसके इंजन में रेड कलर का एक एलिमेंट दिया गया है जो इसको बहुत ही अलग एक लुक देता है। इस गाड़ी के अंदर की एक खासियत मैं आपको बताता हूँ, इसका जो माइलेज है वो सर्टिफाइड है इन द सिटीज, दैट इज 55.47 किलोमीटर्स पर लीटर। इसका इंजन आता है 163 सीसी का, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर इंजन। इसके अंदर ये जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देता है दैट इज 15.2 bhp। साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करता है 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फ्रंट में और रेयर में आपको दोनों में डिस्क ब्रेक मिलेगा। इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको 12 लीटर्स का मिलता है। इसके अंदर अगर 55 का माइलेज है तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ ना तो ये वो वाली गाड़ी बनने वाली है लगता है मुझे 2 सालों में, पेट्रोल डालो और भूल जाओ वैसी वाली गाड़ी ये वापस बनने वाली है। इस गाड़ी के अंदर आपको किक और सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिलता है, ये फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी है, ठीक है। क्लच में इसके अंदर आपको क्लच मिलता है, मल्टीप्लेट वेट क्लच मिलता है, यानी कि जब आप गियर शिफ्ट करोगे तब आपको एक बहुत ही स्मूथ वाली फीलिंग आएगी। 5-speed गियर बॉक्स आता है इसके अंदर। BS6 गाड़ी है ये। BS6 मतलब अब इस गाड़ी के अंदर आपको E20 मिलता है, दैट इज़ BS6 फेज 2। E20 का मतलब है कि इसके अंदर अब आप इथेनॉल जिसका अमाउंट 20 है वो पेट्रोल डाल सकते हो। आगे आने वाले फ्यूचर में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं हर जगह पे यही पेट्रोल आपको देखने मिलेगा, तो जिसकी वजह से इसकी रिफाइनमेंट बहुत बढ़ जाती है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सिटी के हिसाब से अच्छा मिल जाता है, दैट इज़ 167 mm। 143 kg का इस गाड़ी का वेट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हल्की गाड़ी है, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा वेट होता है ना उसी के अंदर ये गाड़ी आती है। इस गाड़ी के अगर मैं 0 to 100 स्पीड की बात करूँ ना, ये आपका टाइम लेगा 20.9 सेकंड्स का, ठीक है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ कम्यूटर बाइक, सिटी वाली बाइक है, लेकिन फिर भी एक जनरल आइडिया के लिए कि ये कितना इसका पिकअप अच्छा है उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको 100x80 का 17 इंचेस का टायर मिलता है और रेयर के अंदर आपको 130x70 का 17 इंचेस का टायर मिलता है। ये अलॉय है दोनों की तरफ। फ्रेम जो है, फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये ट्यूबुलर डायमंड में है, थोड़ा डायमंड वाला पैटर्न आपको इसके अंदर देखने मिलता है। टायर ट्यूबलेस है। हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन बहुत सारी फीचर्स के साथ आती है। यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर लिखा हुआ है हीरो कनेक्ट, आपको एक ऐप मिलता है जिसके अंदर आप अपनी बाइक को कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, मुझे ना सीरियसली सारे देख के बताने पड़ रहे हैं आपको कि इसके हीरो कनेक्ट के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। दैट इज़ 2-way अलर्ट, टॉपल अलर्ट, ड्राइविंग स्कोर, जियो फेंसेज, हीरो लोकेट, ट्रिप एनालिसिस आपको मिलेगा अगर आप किसी ट्रिप पे जाते हो। साथ ही साथ इसके अंदर व्हीकल स्टार्ट अलर्ट है, अगर कोई आपकी गाड़ी चालू करता है तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि हाँ भाई आपकी गाड़ी किसी ने चालू की है। इसके साथ साथ ये यहीं पे नहीं रुकते, 2 फीचर्स और हैं, दैट इज़ स्पीड अलर्ट एंड लाइव ट्रैक। अगर आप ये अपनी गाड़ी अपने दोस्तों को देते हो या फिर अपने बेटे को देते हो चलाने के लिए और आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों पर नज़र रख सको तो एक आप इसकी स्पीड देख सकते हो कि वो कितने पे गया है। साथ ही साथ इसके अंदर आती है लाइव ट्रैकिंग। बाइक चोरी होना आजकल मुंबई में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, मुंबई क्या बहुत सारी सिटीज़ में ये बहुत आम हो चुका है। वो जो फीचर है वो इस गाड़ी को थोड़ा सा चोर प्रूफ बना देता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इसकी फ्रंट प्रोफाइल में। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट LED सेटअप जो है वो आपको देखने मिलता है। लेट मी स्टार्ट दिस बाइक और मैं आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस, बहुत प्यारा लगता है। ये इसकी हाई बीम है, लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। हज़ार्ड का इसके अंदर जो बटन है ना वो सेपरेट है, आप उसको अलग से चालू कर सकते हो और बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो साइड स्टैंड है, इंजन चेक की लाइट है, न्यूट्रल है, हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको मिलेंगे इंडिकेटर्स, यहाँ पर 2 वार्निंग और है, वो है ABS और साथ में फ्यूल। अगर गाड़ी में फ्यूल कम होगा तो यहाँ पे आपको वार्निंग दिखाएगी। अभी यहाँ पे ये ABS की लाइट क्यों चल रही है, जब मैं गाड़ी चलाऊंगा ना तब वो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, स्पीड मिलेगी, यहाँ पे आपको RPM मिलेगा कितना है, आप कितने ट्रिप पे जा चुके हो और यहाँ पे आप मोड से चेंज कर सकते हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो, आपको ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप मेरे सामने देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और रात में जब आप ये गाड़ी चलाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। मैं आपको ये गाड़ी अभी रोड पर लेके जाके दिखाऊंगा कैसा इसका लुक आता है और कैसा इसका रोड प्रेजेंस है। इस गाड़ी के अंदर आपको एक और चीज़ मिलती है, दैट इज़ SOS का बटन। यहाँ पर आपको एक SOS का बटन मिलेगा, प्रॉपर एक ऐसे जैसे न्यूक्लियर का स्विच होता है ना वैसे ही है। ये क्या करता है, देखो मैं मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन इट्स अ सीरियस थिंग, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अगर आपको कुछ बहुत इमरजेंसी में अपने फैमिली को कांटेक्ट करना है, ऑन दैट टाइम यू कैन जस्ट डू दिस। जो भी नंबर आपने अपने ऐप में सेव किए होंगे SOS के अंदर,
वहाँ से वो आपको मैसेज भेज देगा कि हाँ भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। कैंसिल करना है तो 10 सेकंड के अंदर ही डबल टैप करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। आई नो रोड के एक्सीडेंट्स कम करना तो नॉट पॉसिबल, और जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दिस कैन हेल्प यू इन द इमरजेंसीज। अगर आपको कभी चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक फीचर है जो इस बाइक का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसीलिए मुझे मेरे ख्याल से ये स्टेल्थ एडिशन ना एक वर्थ बाइंग लगता है कि इसके अंदर इतने सारे आपको कनेक्शन वाले फीचर्स मिलते हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस बिल्कुल वही है जैसे आपको मिलती थी, नकल गाज दिए हैं, लुक भी अच्छा क्रिएट कर देता है, सेफ्टी फीचर्स भी है, विच मेक्स इट अ कम्प्लीट पैकेज। और ऐसी पैकेज वाली बाइक है तो इसको चलाना और इसको चला के आपको रिव्यू बताना वो भी तो बनता ही है। तो लेट्स गो, इस गाड़ी को हम लेके चलते हैं और इसका रोड पे कैसा प्रेजेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग इस गाड़ी को चला कर देखने वाले हाईवे पे कि ये कैसे चलती है। लेट्स जस्ट स्टार्ट द इंजन, लुक एट दिस, बहुत प्यारा सा एनिमेशन बन के आता है। और अब इस गाड़ी को हम लोग लेके निकलते हैं, सो लेट्स जस्ट हॉप ऑन। इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ, हैजार्ड अगर चालू है तो हैजार्ड भी हम बंद कर देते हैं। गाड़ी लेते हैं पीछे, बहुत ही ज़्यादा हल्की गाड़ी है तो घुमाते वक्त पता ही नहीं चलता, बट ओवरऑल द बाइक इज सुपर्ब। ब्रेकिंग भी काफी ज्यादा प्यारी है इसकी। इसका ना यार सस्पेंशन जो है वो काफी ज्यादा प्यारा है, और 6 स्टॉप मोनो सस्पेंशन है, यानी कि आप इसके अंदर अपनी हाइट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस बाइक बिकम्स अ कम्प्लीट पैकेज अगर आप सिटी में इसको चलाना चाहते हो। और मुझे इसके काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस भी मिले, पता है जब मैं इस गाड़ी को चला रहा था पीपल वर आस्किंग कि ये कौन सी 160 है, ये अभी तक हम लोगों ने देखी नहीं थी, तो ये कैसा है, बहुत प्यारा इसका लुक है। एंड जस्ट लुक एट दिस, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है इसका। 160R को सिटी में चलाना बहुत ही आसान है। पहली बात, इसकी मनूवरिंग बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। दूसरी बात, जब आप इसको हाईवे पे चलाते हो या फिर नॉर्मल अगर आप सिटी में भी चला रहे हो ना, तो कॉर्नरिंग करने में, आई मीन टू से अगर आप किसी बाइक के बाजू से अगर आप जाते हो तो उस टाइम पे ये काफ़ी अच्छे से चलती है, बहुत ही ऐसी स्मूथ लगती है। ठीक है, 160R हमेशा से जानी इसी चीज़ के लिए जाती है, और बहुत ज़्यादा लाइट गाड़ी है, 143 kg की गाड़ी है, तो बहुत ईजिली निकल जाती है। मेरी जो दूसरी गाड़ी है उसके अंदर ऐसे हैवी ट्रैफिक में चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंजन इसका बहुत ही ज़्यादा कम हीट करता है, जो मेरे पास दूसरी बाइक है उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा कम ही हीट करता है, वरना तो बाकी जितनी भी मैंने गाड़ियाँ चलाई है, मेरे पास पर्सनली 400 cc की गाड़ी है तो वो तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हाईवे के अंदर भी अगर आपको सडन ब्रेकिंग करनी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर कोई सामने से कार वाला आ जाता है तब आप उसके अंदर सडन ब्रेकिंग भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर बस एक ही चीज़ मुझे कम लगती है ना, कि अगर ये 6-speed वाली गाड़ी होती ना तो थोड़ा इसका रिफाइनमेंट, थोड़ी इसकी पावर और बढ़ जाती, बहुत अच्छा होता। दो गाड़ियों के बीच में से भी निकालना बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें हैं ना, यही है जो बाइक को अच्छा बनाती है, और ये गाड़ी इसके अंदर नंबर वन है। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था इस गाड़ी को चला के, और हाईवे पे तो बहुत ही स्मूथ चल रही थी क्योंकि कट मारने में बहुत आसानी होती है ना, इसकी वजह से इस गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत प्यारा हो जाता है। द मोमेंट यू ऑल गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर, इस बाइक की प्राइस क्या है। इस बाइक की अगर मैं प्राइस की बात करूँ, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, दिस इज ऑटोमाइल्स हीरो मलाड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे आके आप इस गाड़ी की टेस्ट राइड भी ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर प्राइस भी मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी इस वक्त की जो प्राइस है ऑन रोड, दैट इज 1,64,000 इन मुंबई। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन बिलो। अगर इसमें कोई भी चीज़ मिस होती है, अगर हमारे रिव्यू में कुछ कमी है, डू लेट अस नो, हम लोग आपके कॉमेंट्स को पढ़ते हैं, बिल्कुल हम उसको समझते हैं, और उसके ऊपर हम चाहते हैं कि हम काम करें आपके लिए और अच्छा कॉन्टेंट लाए। तब तक के लिए